एनिमल किंगडम में यूं तो एक से बढ़कर एक खूंखार शिकारी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब बात हायना के हमलों की होती है तो फिर हर कोई कम ही नजर आता है। क्योंकि जहां जंगल के दूसरे शिकारी जानवर अपने शिकार को मारकर उसको खाना पसंद करते हैं, तो वहीं ये हैवान अपने शिकार को जिंदा ही नोच खाने में भरोसा रखता है। इसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इसका शिकार कोई बड़ा जानवर है या फिर किसी जानवर का बच्चा। इसे सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। आज के इस वीडियो में हम आपको खतरनाक जानवरों के कुछ ऐसे हमले दिखाने वाले हैं जहां इनके आतंक से छोटे बच्चे भी नहीं बच पाए। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं। हायना वर्सेस बेबी विल्डबीस्ट। हायना के बड़े झुंड के हाथ आज एक विल्डबीस्ट का बच्चा लग गया है। उस बेचारे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो किन खूंखार शिकारियों के बीच में जाकर फंसा है। हायना उस बच्चे पर अपने नुकीले दांतों से हमला करना शुरू कर देते हैं। वे कभी उसे एक जगह से दूसरी जगह तक घसीटने लगते हैं, तो कभी उसके शरीर पर अपने दांत गड़ाकर घाव बनाने की कोशिश करते हैं। इधर बेचारा बच्चा भी उनके हमलों से परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन हायना है कि उसकी एक भी नहीं सुनते। जल्दी ही वे सब मिलकर उस बच्चे के शरीर पर बड़ा घाव बना देते हैं और उसमें से मांस नोचना शुरू कर देते हैं। इधर बेचारा विल्डबीस्ट का बच्चा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन हायना उस पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाते और उसे नोचने में लगे रहते हैं। हायना वर्सेस बेबी बफेलो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अब हायना की दरिंदगी का अंदाजा हो गया होगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जब ये दरिंदा किसी भैंस के बच्चे पर हमला करता है तो क्या होता है। कुछ हायना यहाँ भैंस के एक बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे कभी उसके पेट पर अपने नुकीले दांत गड़ाते हैं, तो कभी उसकी पीठ पर घाव बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बच्चा है कि एक जगह पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि वो खुद की जान बचाने की कोशिश जरूर करता है, मगर हायना जैसे शिकारी से बचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये शिकारी अपने शिकार को छोड़ने में जरा भी भरोसा नहीं रखता। देखते ही देखते हायना इस बच्चे के शरीर पर घाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इधर वो बच्चा हायना के हमलों से इतना घायल हो जाता है कि हार मानकर जमीन पर बैठ जाता है। उसके गिरते ही हायना उसे नोच खाने के लिए टूट पड़ते हैं। हालांकि ये बच्चा अब भी जिंदा है और दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन हायना के झुंड को उस पर जरा भी रहम नहीं आता। वो तो बस उसका मांस नोचकर खाने में लगा हुआ है। हायना वर्सेस बेबी टोपी। दरअसल किसी हायना का हमला करने का तरीका और रवैया इतना खतरनाक होता है कि जंगल के बड़े जानवर भी इसके सामने आने से खौफ खाते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि बच्चों का ये क्या हाल करता होगा। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे एक हायना ने टोपी के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया हुआ है और उसे अपने जबड़े में दबाए इधर उधर दौड़ लगा रहा है। अपने बच्चे को बचाने के लिए उस बेचारे नन्हे टोपी की माँ भी हायना के पीछे भागने में लगी हुई है, लेकिन साथ ही वो इस बात से भी वाकिफ है कि इस हैवान के मुंह से अपने बच्चे को छुड़ा पाना उसके बस की बात नहीं है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ जेब्रा का झुंड आता है और सबके सब मिलकर टोपी की माँ के पीछे पड़ जाते हैं। जो अभी तक अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी ही जान के लेने के देने पड़ गए। इधर हायना भी अपने शिकार को छोड़ने के मूड में नहीं है और लगातार मैदान में दौड़ रहा है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को एक जगह पर रख देता है। यहाँ उसके कुछ साथी भी आ पहुँचते हैं और सब मिलकर उसका शिकार बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। हायना वर्सेस बेबी गैजल। जिस शिकारी के सामने बड़े से बड़े जानवर भी नहीं टिक पाते, भला उसके सामने कोई गैजल जैसा जानवर क्या ही टिक पाएगा। क्योंकि ये न केवल दूसरे जानवरों से छोटा है, बल्कि इसमें उतनी ताकत भी नहीं कि हायना का मुकाबला कर पाए। तभी तो यहाँ जैसे ही एक खतरनाक हायना की नजर गैजल और उसके बच्चे पर पड़ती है, तो वो बिना देर किए उन पर हमला करने के लिए पीछे पड़ जाता है। शातिर हायना के लिए इस वक्त सबसे आसान शिकार है गैजल का बच्चा, जिसके
पीछे वो पूरी ताकत से दौड़ने में लगा हुआ है। इस मुसीबत को देख वो बच्चा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बीच में आती है, लेकिन उनकी लाख कोशिशें भी यहाँ काम नहीं आती और हायना उस बच्चे पर अपने नुकीले दांत गड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे अपने साथ ले जाकर अपना पेट भरने में लग जाता है। हायना वर्सेस बेबी एलिफेंट। आमतौर पर जंगली जानवरों के लिए अपने से छोटे या बराबरी के जानवरों का शिकार करना तो आसान है, मगर किसी बड़े जानवर से मुकाबला करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा ही है। लेकिन अगर आप हायना के बारे में भी ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ जंगल में भटकते हायना की नजर एक हथिनी पर पड़ चुकी है जो अपने बच्चे के पास खड़ी है। इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बीमार है और एक ही जगह पर पड़ा है। वो हथिनी अपने बच्चे को कभी अपनी सूंड से तो कभी अपने पैर से हिलाकर उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इधर हायना धीरे धीरे उस बच्चे को हथियाने के इरादे से उसके पास जा पहुँचते हैं, मगर हथिनी का गुस्सा उन्हें वहाँ नहीं टिकने देता। लेकिन किसी तरह एक हायना उस बच्चे तक पहुंच जाता है और उसे नोचने की कोशिश में लग जाता है। तभी उसका साथ देने के लिए बाकी के हायना भी यहां आ जाते हैं। अब हथिनी इन शिकारियों से अपने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश करती है, मगर उसकी एक नहीं चलती और हायना उस बच्चे को अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। हायना वर्सेस बेबी हिप्पो। हाथी के बच्चे पर हमला करने वाला ये शिकारी भला हिप्पो को कैसे जाने दे सकता है, और वो भी तब जब हिप्पो का ये बच्चा अकेला हो। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखिए, जहां कुछ हायना ने मिलकर एक हिप्पो के बच्चे को अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। उन्होंने इस हिप्पो को कुछ इस तरह से घेरा हुआ है कि वो बच्चा चाहकर भी अपनी जगह से उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा। वैसे हिप्पो जैसे जानवर के लिए किसी भी जंगली जानवर को मारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हायना के नुकीले दांतों ने उसे घायल किया हुआ है, जिस कारण वो खुद की कोई मदद नहीं कर पा रहा। वो हिप्पो बेचारा एक ही जगह बैठकर तड़पता रहता है, लेकिन हायना पर उसके चिल्लाने का भी कोई असर नहीं होता और वे बस अपने शिकार को मारने में लगे रहते हैं। वहीं हिप्पो और हायना का एक और वीडियो सामने आया है जो हायना के खतरनाक हमलों को बयां कर रहा है। इस जगह हिप्पो के एक छोटे बच्चे को बहुत सारे हायना मिलकर नोचने में लगे हुए हैं। उनका हमला इतना खतरनाक है कि उन्होंने अपने शिकार के पेट को भी फाड़ कर रख दिया है और उसमें से मांस निकाल कर खा रहे हैं। वैसे हायना के शिकार करने का यही अंदाज है, वे पहले एक ग्रुप बनाकर शिकार पर हमला करते हैं और फिर उसे साथ मिलकर नोच खाते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे सभी मिलकर अपने शिकार को चट कर खा रहे हैं। काफी देर तक हिप्पो का मांस खाने के बाद वो वक्त आता है जब हायना अपने शिकार को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले चलते हैं और बाकी के हायना उनके पीछे निकल पड़ते हैं। हायना वर्सेस बेबी ज़ेब्रा। जंगल के लगभग हर जानवर को अपना शिकार बनाने की हिम्मत रखने वाले हायना के हाथ से भला कोई जेब्रा कैसे छूट सकता है, क्योंकि भले ही जेब्रा उन जंगली जानवरों में से है जो तेज दौड़ सकने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अपनी मजबूत टांगों का उपयोग शिकारी को मारने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनके सामने हायना जैसा शिकारी आता है तो ये भी अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ हायना आज जेब्रा के बच्चे को अपना शिकार बनाने निकल पड़े हैं। हालांकि यहाँ इस बच्चे के साथ उसकी माँ मौजूद है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपने बच्चे की जान को इन शैतानों से बचा ले। वो हायना को देखकर अपने बच्चे के आसपास ही भागने लगती है और साथ में हायना पर भी नजर रखती है कि कहीं से उनका हमला ना हो जाए। लेकिन इस बीच एक समय ऐसा आता है जब जेब्रा अपने बच्चे से दूर हो जाती है और इस बीच ही हायना उस बच्चे को धर दबोचते हैं। बेचारा बच्चा दर्द के कारण बहुत चिल्लाता है, लेकिन हायना उसके शरीर में तब तक बड़ा घाव बना देते हैं। हायना वर्सेस बेबी सील।
हायना के खतरनाक हमलों से जमीन पर रहने वाले जानवर तो परेशान हैं ही, लेकिन कई बार तो इसका शिकार पानी के जानवर भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ समुद्र के किनारे पर सील का एक बड़ा झुंड आराम कर रहा है। इन बेचारों को तो ये भी खबर नहीं है कि इनकी तरफ एक आफत चलकर आ रही है। दरअसल हम इस हायना के बारे में बात कर रहे हैं जो इनको अपना शिकार बनाने के इरादे से इनकी तरफ आ जाता है। वो पहले तो इनके बीच टहलता है, लेकिन फिर एक बेबी सील को देखकर उसके पास चला जाता है और उस पर हमला करने में लग जाता है। मगर यहाँ सील की माँ भी आ जाती है, जिसके चलते कुछ देर तो हायना की दाल नहीं गलती। लेकिन इस बीच एक मौका हायना के हाथ लग जाता है और वो एक ही बार में सील को अपने जबड़े में भरकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हायना के हमले कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा तो आपको भी पहले होगा, लेकिन ये कितना बेरहम हो सकता है ये भी आज आपने देख ही लिया है। क्योंकि सोचिए कि जो शिकारी बच्चों को अपना शिकार बनाने से पहले नहीं सोचता, तो भला वो कैसे किसी को छोड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।